ये मेरा बच्चा नहीं है। और मैंने सोचा भी कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, बट मुझे लगा यार छोड़ो जो होता है होने दो। और फिर आज उसका दोबारा टेक्स्ट आया, तो अब वो आ रही है, रास्ते में है वो, अभी 15-20 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली है। अब मुझे नहीं पता मैं उससे क्या बोलूँगा, मैं उसे कन्फ्रंट करूँगा कि नहीं। अरविंद, ये बात सच है? ने और उसकी फैमिली ने, भाई बहन ने, सबने मिलके तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सुन के आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, इस घटना का आगाज सन 2016 में हुई, जब मैं अमेरिका से इंडिया आया था। मेरी मुलाकात एक नाम की लड़की के साथ हुई। मैं उस लड़की से स्पा सेंटर में मिला, मुझे उसका नेचर अच्छा लगा और उसकी और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों आपस में टाइम स्पेंड किया करते थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। जब भी हम आपस में मिला करते थे, वो हमेशा मेरे से अपने सपने के बारे में बातें किया करती थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि अरविंद, क्या तुम मेरे सपने को पूरा कर सकते हो? मुझे ये सुन के अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। साथ में मुझे ऐसा लगा कि सोसाइटी ने उसे बहुत सारी चीज़ों में एक कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं दी है। मैं इन बातों में नहीं मानता, बट जिस कास्ट को वो बिलोंग करती थी और उसका रंग, मुझे लगा कि उसको अपने बारे में इस वजह से काफ़ी डाउट्स थे और मैं चाहता था कि वो रियलाइज करे कि इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने उसके सपने को पूरा करने के लिए हाँ बोल दिया। कुछ दिनों के अंदर ही पैसों की व्यवस्था करके मैंने उसके लिए स्पा सेंटर खुलवाया और फिर मैं वहाँ से पेरिस चला गया। लगभग 2 साल तक स्पा सेंटर चला और फिर बंद हो गया। और 10 जनवरी 2018 को मेरे पास उसका कॉल आया। याद है मुझे आज भी वो दिन, मैं ड्राइव कर रहा था और मैंने एक गैस स्टेशन पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी उसका फोन लेने के लिए। 10 जनवरी 2018, उसने कॉल पर मुझसे बोला कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है और वो बच्चा आपका है। ये बात सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि ये कैसे हो सकता है, वो मेरी बात नहीं मान रही थी, बस मुझसे मिलने की जिद कर रही थी। उसकी बात मानते हुए मैं उससे मिलने दिल्ली आया। जब मैं उससे दिल्ली में मिला तो उसने मुझसे पैसे की डिमांड की। इससे पहले भी वो मुझसे किसी न किसी बहाने पैसे लेती रहती थी। मैंने उसे $25,000 दिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी वह मेरे साथ रहने की जिद करती थी। लेकिन मेरे पास समय की बहुत पाबंदी होने के कारण मैं उसको समय नहीं दे पाता था, क्योंकि मेरा अपना खुद का बिजनेस था और उसने मुझे अपने पास रखने के लिए मेरी ड्रिंक में नींद की काफ़ी गोलियां मिला दिया करती थी, जिससे मैं बेहोश रहता था और अपने US के बिजनेस को संभालने के लिए ना जा पाता था। मुझे एक स्पेसिफिक इंसिडेंट याद है, जब नींद की गोलियां खिलाने की वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई और जब मैं उठा तो मैंने कहा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। मैं बहुत ही गुस्से में था। मैं कुछ बहाना करके वहां से निकलता और एक दिन मुझे किसी से पता चला कि वह बच्चा उसी के भाई का है। आर्यन तुम्हारा बेटा नहीं है, चाहे तो तुम जितने भी उसके डॉक्यूमेंट है रीचेक करवा लो। बेशक बाद में तुम चाहे को बता देना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले सच जानो, सच जानने के बाद बताना, क्योंकि वो मुझे तुम्हें कुछ भी बताने नहीं देगी। Hey guys, so I'm gonna go and meet the friend of the person who actually defrauded me. So she's here now. She's here with her sister. She's actually on our side. So kind of looking forward to catching up with her. We're just gonna go to a coffee shop and rock and roll. एक बार आपको क्विकली इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, जो कि आप अभी शायद चेहरे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ हैं जो हमारी हेल्प कर रही हैं। सो लगता है अभी पता चला कि बच्चा तो उसने बहुत ढूंढा कि अडॉप्ट हो जाए, लेकिन फिर उसको घर में ही बच्चा मिल गया कि बच्चा है, इसी से स्कीम लगाते हैं। तो वो आज तक कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई? नहीं, कभी प्रेग्नेंट नहीं। बताओ, प्रेग्नेंट हुई नहीं वो, क्योंकि क्या नाम है, ऑब्वियसली वो नहीं,
तुम उसके साथ रह नहीं रहो, मैरिज है नहीं तुम्हारी उसकी, तो क्यों रहेगी तुम्हारा बच्चा वो। पॉइंट ये है कि कहानी तो जो तो है, लेकिन अभी हमारे पास सिचुएशन क्या है? अभी हमारे पास सिचुएशन ये है कि अब क्या किया जाए। अभी तक वो बुद्धू बना रही है, तो वो मुझसे थर्सडे को मिलना चाह रही है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि पुलिस स्टेशन में जो हमारे साथ समाज सेवक हैं वो जाके पूरी जान पहचान से सब कुछ करा सकती है और मुझे जाना पड़ेगा इनिशियली, और फिर बेसिकली मैं उनको रिटर्न में रिपोर्ट दे दूंगा और फिर वो कहानी खत्म। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरी ऑप्शन है हमारे पास ये वीडियो बनाना। तो ये वीडियो बनाया जा सकता है जिससे उसको भेजा जा सकता है। सच्ची बात बोलूं तो ना, ये इंसिडेंट की वजह से ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है, क्योंकि मेरा तो लाइफ में ये प्रिंसिपल था कि सब पे विश्वास करो और एक दूसरे पे ही विश्वास करके ही आगे बढ़ा जाता है। बट अब ये करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आप विश्वास मत करिए। और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इससे क्या सीख लेंगे, आप जो वीडियो देख रहे हो क्या सीख लोगे, कि किसी पे विश्वास ना करो? तो ये तो सही सीख भी नहीं है यार। तो आप मुझे कॉमेंट करिए और बताइए कि इसके अंदर सबसे सही सीख क्या है। फिर मैंने अपना एक प्लान बनाया और उसको अपने होटल में मिलने के लिए बुलाया और वो मिलने के लिए तैयार हो गई। मैंने ऐसा प्लान इसलिए बनाया था कि उससे मैं वो सब कुछ पूछ सकूं जो उसने मेरे साथ किया। मैं अपने होटल के रूम में स्पाई कैमरा लगा चुका था। पिछली बार जब मैंने बात करी थी तब से 2 हफ्ते बीत चुके हैं और क्या बताऊं मैं आपको। तो मैंने ट्राई करा कि मैं कुछ बोलूं उस लड़की को कि ये मेरा बच्चा नहीं है। मैंने ट्राई करा, लेकिन ना मेरे इतना बिजी चल रहा था, मेरा काम इतना था, तो मुझे लगा यार आई डोंट नो, मैंने नहीं बोला बेसिकली। और मैंने उसे कॉल भी नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। उसका रोज टेक्स्ट आया, आई डोंट नो क्यों आया। और मैंने सोचा भी कि क्या करूं, बट मुझे लगा यार छोड़ो, जो होता है होने दो। और फिर आज उसका दोबारा टेक्स्ट आया, तो अब वो आ रही है, रस्ते में है वो, अभी 15-20 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली है। अब मुझे नहीं पता मैं उससे क्या बोलूँगा, मैं उसे कन्फ्रंट करूँगा कि नहीं। क्या मैं ये बोलूँ कि हेलो ये मेरा बच्चा नहीं है, या तूने मुझसे क्यों झूठ बोला, तूने मुझे क्यों नींद की गोलियाँ दी, तूने क्यों मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें करी, और मैंने तो तेरे साथ इतना विश्वास करा था, तूने ऐसा क्यों किया। मैं ये बोल सकता हूँ, बट नहीं पता मुझे कि ये सही तरीका है कि नहीं। थोड़ा सा सनसनीखेज हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, लाइफ सनसनीखेज ही तो है। बट आप जमे रहिए इस वीडियो पे ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या हुआ। मैं ट्राई करूंगा कि कुछ हिडन कैमरा वगैरह लगा लूं। अगेन मेरा गोल उसको दबाना नहीं है, लेकिन मेरा गोल है कि उसके साथ कन्फ्रंट करा जाए ताकि ये किस्सा खत्म हो। I'm a little bit nervous, so we'll see. I'll try to record and get some confession. I don't know, I have to turn on the red light that's blinking somehow. Let me figure that out. जब वो मेरे होटल में आई तो मैंने उससे सवाल पूछना शुरू किया, जिसकी मेरे पास वीडियो क्लिप मौजूद है, और ये वीडियो क्लिप मैं आप सभी लोग को सुनाना चाहता हूँ। Yes. साफ साफ के डर लग रहा है, क्यों क्या डर लग रहा है बता। बहुत सारी चीजों का डर लग रहा है। क्या फिर भी इसे बंद करो। ओके, ये ट्रैफिक देख के मेरी जान सूख रही है। क्यों डर लग रहा है बता। उसने भी तो बोल रही थी सॉरी। क्यों बोल रही थी? अरे बोलना, हाँ वही तो है। क्या हो गया? पॉजिटिव है तो बता, कुछ बात करनी है। क्या बताऊंगी? क्या बताऊंगी? पता होगी क्या? क्या बताऊंगी? बता दे, खुद ही बता दे। डर नहीं की बात है, इतनी दूर तक आई है। इट्स ओके, सोच मैंने क्या किया किसी का आज तक, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। अब एक डर तो लगेगा, गलत किया तो नहीं, और लगना भी चाहिए। मैंने क्या किया तेरे साथ? सच सच बोल, अच्छे से बोल रहा हूँ। कुछ गलती से कर दिया होगा, गलत हाँ करा होगा, बता। तुझे लूटा होगा, झूठ बोला होगा, फरेब करा होगा, तुझे हार्म करा होगा, करा होगा, गलती से करा होगा, फिर डर क्यों लग रहा है तुझे? तो इससे अच्छा मौका क्या होगा? इससे अच्छा मौका क्या होगा? तुझे क्या पता कितनी बड़ी बड़ी गलतियां माफ हो सकती हैं, है कि नहीं?
क्या झूठ बोला? क्या बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है? क्या शायद मैंने गंदा करा होगा जो आपको बोलने की जरूरत पड़ी? झूठ मैं थोड़ा तो क्या गलत था? मेरे को आपके साथ नहीं होगा। मैंने ना तेरे को बहुत प्यार की नजर से देखा, प्यार दिया। मैंने सोचा कि नहीं, जो इज्जत किसी भी और पढ़े लिखे किसी मेरी गर्लफ्रेंड की किसी की भी हो वो इज्जत दिलवाई, मीटिंग्स में बुलाया, हर चीज करी, ऑफिस में बुलाया, हर चीज सिखाई, हर चीज समझाई, कभी कुछ नहीं छुपाया। कुछ गलत किया क्या? मुझे लगा कि क्यों तुझे ना मिले सब कुछ, मतलब क्या गलत किया? फिर भी बस साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए तुझे अभी मैंने बुलाया। मैं आ जाती हूँ। मुझे क्या पता हुआ? क्या मेरे से बड़ा तो तुझको है नहीं ना, मुझे क्या पता हुआ? तू मिली है किसी से मुझसे बड़े हो तुझे? मैं तो अभी भी कुछ नहीं कह रहा यार, तुझे पता मैं तुझसे मिलना भी चाहा, मैं तुझे बार बार फोन करा, मैं तो कुछ नहीं कहा, मैं तुझे फोर्स करा, मैं ना ऐसा क्यों मेरी जान? हम जितनी जगह गए, हम कश्मीर गए, हम वहां पे गए 2016 में भी गए, इतना हमने टाइम स्पेंड करा साथ, मैंने क्या बोला क्या तेरे साथ? अरे बोलना कुछ तो करा होगा, ऑब्वियसली इतनी नफरत हुई तेरे को, इतना नफरत। मैं तो किसी को भी कुछ गलत कर सकता, तो कह रही है कुछ गलत किया तो बता क्या गलत किया? और कुछ गलत नहीं करा? मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, कुछ गलत करा? ओके, तूने एक झूठ बोला, एक मेरे पैसे नहीं वापस करे, और क्या? समझ गया, छोटा झूठ नहीं बोला कुछ, मुझे हार्म करा? मैं पूछ रहा हूँ, और कुछ झूठ बोला? मतलब अभी भी तो कह रही है तूने और कुछ झूठ नहीं बोला, एक बड़े झूठ के सिवाय में? सबसे बड़ा झूठ? हाँ, सबसे बड़े से छोटे झूठ चाहिए मुझे, उससे छोटे झूठ क्या? ओके, ऐसा और ये दो चीजों में बोला, और कोई कुछ झूठ नहीं बोला? हर दिन झूठ नहीं बोला? मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, देख मैं तो कुछ कह नहीं रहा ना, तुम तो मुझे देखा है, तुमने मुझे खुशी में भी देखा है, हंसते भी देखा है, दुखी भी देखा है, तो क्या क्या झूठ बोला बता देगी तो खत्म हो जाएगा। मत बोल, मत बोल, और इज्जत खत्म हो जाएगी, मत बोल। नहीं याद तेरे को सब कुछ है, अच्छे से बोल रहा हूँ, इट्स ओके, बोल दे, सबसे अच्छा तरीका यही होता है, अपनी छाती से उतार, बोल सच, कम ऑन। किस चीज में ना? मैं भी यही पूछ रहा हूँ, किस चीज में बड़े झूठ का माना? मैंने पूछा तूने बस एक ही झूठ बोला क्या? अभी भी तू मेरे साथ नाटक करना चाहती है क्या? हाँ तो फिर बता और क्या क्या झूठ बोले? मैं क्या हिंट दूँ? तू ही तो है जो कर रही है ये सब, अभी तो अपना असली चेहरा निकाल के प्यार से अच्छे से तू कर ले। मतलब मैं अच्छे से बोल रहा हूँ तुझे, मैं तो फिर भी तुझे प्रोटेक्ट करता हूँ, है कि नहीं? सबसे ज्यादा ना दुनिया में तू मेरे साथ सेफ है, अब तो सच बोल दे। आर्यन के बारे में बाकी तो सच बता, और क्या क्या झूठ बोला बताना है? बताना है? मैंने पूछा और क्या क्या झूठ बोला बताना है? माफी, मैं समझ गया, मुझे तूने हार्म क्यों करा? तूने मुझे गोली खिला के क्यों सुलाया? मैंने अभी मत बना, सुन, तूने मुझे गोलियां खिला के फ्लाइट मिस कराई, इट्स ओके, मान अपनी बात। ये वाली बात बोल रहा हूँ मैं, सारी बातें निकालना चाहता हूँ, मैं मर भी सकता था उससे, इतनी नफरत, मैं तो तुझे गंदा पानी ना पीने दूं, इतना मैंने तुझे प्यार दिया, वो ऐसे कर भी कैसे सकता है यार, इतना झूठ। मैं उससे कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहता था, गायब हो जाता बस, कहता कोई बात नहीं वो तो खुश रहे, मैं कितना रोया,
मैंने कभी तुझसे कुछ पैसे मांगे, मैंने कभी तुझे धोखा दिया, कभी बेइज्जत करा, कभी कोई जबरदस्ती करी, हर दिन सब कुछ सच बता के तुझे समझने की कोशिश करी, इतना बड़ा झूठ। और फिर उसके बाद मुझे हार्म करा और भी क्या क्या चीजें खिलाई पिलाई, अभी भी झूठ बोलना है तेरे को? क्या मैंने आपको खिलाया? अभी भी झूठ बोलना है? अब तो सच बोल दे, कम से कम पता चले कि अभी तो सच बोल रही है। मैंने तो तुझे इतनी बड़ी बड़ी बातों को अनदेखा करा। एक पत्ता गोलियों का खिला दिया, कैसे डाल दी? ठीक है, रोने से क्या फायदा, रोने तो आई नहीं है ना, और ऐसा भी अभी कुछ ऐसा बदला नहीं है, और मतलब बदलता है मैं वेला होता, मैं चाहता ऐसा कुछ है ना, लेकिन मैंने तो भूल गया, मैंने कहा जो जाने दो, कोई बात नहीं, अपने आप रियलाइज करेगी, आके बोलेगी। जो अच्छा करे उसके साथ क्यों बुरा करना यार, इतने लोग होते हैं जो गंदा करते हैं उनके साथ बुरा करते हैं, हम तो उनके साथ भी नहीं करते बुरा, मेरे साथ यार सीरियसली मैंने क्या बिगाड़ा तेरा यार। अब देख, अगर ये बात नहीं करनी तो नहीं भी कर सकते, लेकिन मुझे लगा तुझे ही अच्छा लगेगा बाद में, मुझसे ज्यादा तुझे बुरा लग रहा होगा अंदर से, मैंने कोई कमी छोड़ी है। अभी भी अगर तू मुझे सारा सच बताने की कोशिश करे तो कम से कम मुझे लगे कि हाँ तू सच बोल रही है, तुझे कोई पछतावा है? अगर तुझे मौका मिले दोबारा जाके कुछ और चेंज करने का तो क्या तू करेगी? क्या करेगी? अरे मैं चाहता हूँ कि तू अपने आप से समझे क्या बदलेगी तो अगर सच हो। जब तूने पैसे मांगे, मैंने वहां से तेरे को समझ के इतनी बार डॉलर्स में ट्रांसफर करे, चाहे मेरे पास थे ही नहीं थे उस टाइम, मेरे पास कम भी थे फिर भी, बट मैंने कभी तेरा हाथ रोका, मैंने कहा ठीक है यार, कभी ये चोरी हो जाना, कभी वो चोरी हो जाना, कुछ तो मुझे बता, कुछ तो सच बता कि मुझे लगे कुछ तो। तू मुझे जब बोल सकती है कि बच्चा मेरा है, तू समझ रही है मैं तेरी एक भी बात का विश्वास करना चाहिए? सीरियसली मतलब मैं ठीक है भैया हूँ, इतना बड़ा कि अभी भी तेरी किसी भी बात का विश्वास करूँ? जब तूने एक बात तक नहीं बताई, मैं हूँ जो तुझे बोल रहा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ चल इट्स ओके, चल इट्स ओके, हैदराबाद में मेरा $1,000 काम है। जो बंदा मुझे गोली खिला सकता है, जो बंदा मुझे केले की जड़ का रस पिला सकता है, ये मैंने नहीं किया है, ये आपको जिसने भी बोला है बड़ा बड़ा बना के बोला है, ठीक है आप उसकी बात पे यकीन कर रहे हो? मेरे पास सुनो अभी, तेरा बेस्ट आंसर ये है किसी और को ब्लेम करना, ना कि खुद सॉरी बोलना। आई एम सॉरी, लेकिन जो मैंने गलती करी है मैं आ रही हूं क्योंकि आपसे सॉरी बोलने के लिए रेडी, मैंने आपको दिखाई दी बोले कि सॉरी मैं रेडी क्योंकि मैंने गलती करी है, लेकिन जो ये बता रही है ये मैंने नहीं करी है, जो मेरे पे ब्लेम लगाया जा रहा है इतना बड़ा झूठ। और $1,000 तो एक बात है, मैंने तो तुझे पता नहीं कितने $20,000-25,000 ट्रांसफर करे, मेरे पास सारा हिसाब है। मुझे पता है जब आपने मुझे ट्रांसफर किए मेरे घर लेने के लिए पैसे स्टार्टिंग में, तब आपने मुझे डॉलर का नहीं पता, लेकिन आपने जब मुझे ट्रांसफर किया जो मैंने इंडियन करेंसी में जो है 4,00,000 एक बार आपने मुझे दिए, दो एक बार दिए और एक एक बार जो $3,000 और दिए थे, मुझे तो एग्जैक्ट डेट पता है, सारा का सारा अकाउंट में हिसाब रहता है। तुझे लगता है मुझे पैसे से फर्क पड़ता है? हमें इतने पैसे तो हर महीने खर्चता हूँ मैं, तू क्या करते? तुम तो मुझे फ्रॉड डॉक्यूमेंट भी भेजा जिस पर अपना नाम लिखा है कि तुम माँ बनी है, वो डॉक्टर का भी नाम लिखा है उस पर, कहाँ से लाई वो डॉक्यूमेंट? उसको भी डिलीट कर रही थी, बॉयफ्रेंड था वो भी तेरा, अब तो सच बोल दे कम से कम। जिसने तेरे को बना के दिया डॉक्टर का? कुछ नहीं था मेरा, फिर बता, सब कुछ झूठ था क्या? कुछ कभी फील नहीं करा दिल में? झूठ बोलने की बात फील हो तो वो फील क्या रहता है, झूठ तो बोल चुकी थी ना मैं आपसे, झूठ से पहले नहीं फील करा कभी, कभी प्यार नहीं आया मुझ पे, कभी तरस नहीं आया, कभी नहीं लगा कि अच्छा करना चाहता है सबके साथ, क्योंकि मुझे बहुत फास्ट रियलाइज हुआ है। सो जैसे कन्फेस करने का मौका भी ना मिलता, अकेले में बताने का मौका भी ना मिलता, मैं ना बोलता, मैं फंसाता, मैं बातें बनाता, लेकिन मैंने एक कावर्ड की तरह तो नहीं ना सामने आके तुझसे बात करी ना, वो भी जब तेरा मन था। दोस्तों
आपने ये वीडियो आखिर तक देखा, मैं आपका आभारी हूँ। ज़रूर आपने कुछ रिलेट करा होगा अपनी लाइफ में, कभी आप कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे। बट इस वीडियो का पर्पज़ क्या है, मैंने ये वीडियो क्यों अपने दर्शकों के लिए डाला? इसका पर्पज़ ये नहीं है कि किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट करना कि देखो किसी ने कितना बुरा करा, या फिर विक्टिम प्ले करना, या फिर बोलना कि बाकी लोग विलन हैं, या फिर बोलना कि देखो मैंने तो सब कुछ करा। इनमें से कुछ भी इस वीडियो का पर्पस नहीं है। इस वीडियो का पर्पस है कि मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप अपनी जिंदगी में सतर्क रहें। ये एक अच्छी बात है लोगों पे विश्वास करना, ये एक अच्छी बात है कि आप हमेशा सबके साथ काइंड रहें, अच्छे रहें, सबकी सहायता करें। बट हमेशा अपनी बाउंड्रीज बना के रखें, हमेशा देखिए कि क्या जो दूसरा पर्सन बोल रहा है, जो कह रहा है, वो सब अलाइन हो रहा है कि नहीं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है और यही लेसन मैंने लिया है। मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थी, मैं पुलिस के पास जा सकता था, मैं उससे पैसों की डिमांड कर सकता था, बट जैसे हमारे इंग्लिश में कहावत है फॉरगिव एंड फॉरगेट, मैं वही करना चाहता हूँ, माफ़ कीजिए और भूल जाइए। इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है जो कि उसने ले लिया हो जो इरिवर्सिबल हो। हर चीज़ वापस लाई जा सकती है जब तक हमारी ज़िंदगी सलामत है, जब तक हमारे अमेजिंग दोस्त हमारे साथ हैं, हमारे दर्शक हमारे साथ हैं, और वो एडिटर्स जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, मेरी टीम जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा प्लान है अपने दोस्तों के लिए जो इंडिया से हैं बहुत सारा अमेजिंग कॉन्टेंट लाना चाहता हूँ। अभी तक मैं 42 कंट्रियों में जा चुका हूँ और मैं धीरे धीरे करके अगले 5 साल में सबकी सब 197 कंट्रीज़ के अंदर घूम के आपको एक बहुत ही बढ़िया स्टोरीज़ के साथ एंटरटेन करना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, गुड बाय।